नमस्कार दोस्तों, अमिताज ब्लेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाना खाने के बाद हम सभी का कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए गाजर की खीर लेकर के आई हूँ, जो कि मात्र 30 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। गाजर की खीर जो हम बनाने वाले हैं वो मात्र 5 इंग्रेडिएंट्स में बनकर के तैयार हो जाएगी। चलिए हम लोग गाजर की खीर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा बाउल भर के मैंने शुगर ली है। शुगर जो है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और आधे बाउल से थोड़ा कम मैंने गाजर घिसकी ली है और आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने उबाल करके रख लिया है। 3 छोटी इलायची को मैंने कूट के पीस के रख लिया है और काजू बादाम और किशमिश को मैंने काट लिया है। चलिए अब हम लोग गाजर की खीर बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध जो है मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है। अब हम अपने इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं और जो चमचा जो है वो हम इसी में डाले रखेंगे, जिससे हमारा दूध जो है बाहर ना निकले और धीमे धीमे करके हम चलाते रहेंगे। जब हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम गाजर डाल देंगे। दूध हमारा देखिए अच्छे से उबल गया है और हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम गाजर डाल दे रहे हैं। ये खीर हम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैंने सारी गाजर डाल दी है। अब इसमें हम गाजर को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, गाजर जो है वो दूध में जाते ही कैसे गाजर ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि दूध को अगर हम चलाते नहीं हैं तो दूध जो है नीचे बर्तन में लग जाता है। ये खीर बहुत ही कम समय में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गाजर डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट से जो है खीर को हम लगातार चला रहे हैं, क्योंकि दूध जो है कहीं वो नीचे तली में ना लग जाए। और देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है धीरे धीरे। अब हम इसमें इलायची डाल दे रहे हैं। और इसको अच्छे से चला लेते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चीनी की जगह शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, जिससे आप आसानी से इस खीर को खा पाएंगे। खीर जो है हमारी लगभग अच्छे से तैयार हो गई है और जो गाजर है वो भी हमारी अच्छे से गल गई है। तो अब इसमें हम चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी आपको अपने टेस्ट के अनुसार डालनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम खाते हो तो कम डाल लीजिएगा। वैसे आजकल हम जो है कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो हम मीठा जो है वो कुछ कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं। और अब हमने चीनी डाल दी है तो इसको अब हम बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, वरना दूध जो है हमारा वो नीचे लग जाएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। देखिए हमारी खीर बन करके तैयार है। चलिए आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो जो है उन तक पहुंच सके। खीर हमारी बन करके तैयार है। आइए हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। आज की मेरी टिप ये है
कि हमको गाजर जो है अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। गाजर खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और गाजर खाने से हमारी स्किन भी अच्छी होती है। तो क्यों ना हम ये गाजर की खीर को ट्राई करें, और प्लीज मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये गाजर की खीर कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।